वो पानी वाला एरिया दिख रहा है, दैट इज सरिता ताल। बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है खुरपा ताल। ये है जिस जगह पे मैं अभी रुका हुआ हूँ और आप देख सकते हो कितना सुंदर है सभी देखने में। मेरा नाम है गौरव जोशी और मैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर से हूँ और अभी मैं आया हूँ नैनीताल। तो मैं नैनीताल से वापस आ चुका हूँ और इस जगह ये कालाडूंगी रोड पे मैं हूँ, तो मैं कालाडूंगी वाली रोड से हल्द्वानी को वापस जाऊँगा। तो अभी मैं जिस जगह पर रुका हूँ ये काफ़ी सुंदर है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। तो आपको मैं जगह दिखाता हूँ कि ये कितनी सुंदर है। ये है जिस जगह पे मैं अभी रुका हुआ हूँ और आप देख सकते हो कितना सुंदर है सभी देखने में, इतने सुंदर से पहाड़ हैं और काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है। और इस पर्टिकुलर जगह का नाम मुझे पता नहीं है, पर ये नैनीताल से लगभग 4-5 किलोमीटर कालाडूंगी वाली रोड साइड को है। और मैं आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ पर मैं खड़ा रुका था वहाँ पर मैं खड़ा हुआ, और ये नीचे वो जगह है और आपको भी दिखा दूँ। तो जो वो पानी वाला एरिया दिख रहा है, दैट इज़ सरिता ताल और सरिया ताल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, सरिया और सरिता ताल उसका नाम है। तो ये है ये जगह और ये है सामने पहाड़। ओके, तो अभी आपने देखा कि कितना सुंदर है ये सभी और इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। तो ये पहाड़ और ये सब देखने को कम मिलता है, पर ये इतना सुकून भरा और इतना सुंदर है ना। तो अगर आप लोग कहीं बाहर रहते हैं, ऐसे प्लेन्स एरिया में रहते हैं, तो प्लीज़ टाइम निकाल के ज़रूर हमारे उत्तराखंड को घूमने आना और ख़ासकर पहाड़ों को ज़रूर आना, कि ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। आप मेरे आसपास सभी देख सकते हो कितना सुंदर सा सभी है। और मतलब यहाँ पर ना आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर प्लेस विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई सुंदर जगह मिल जाए। आप मेरे बैक साइड में देखो, जो भी आप पहाड़ देखोगे ना वो सुंदर सा ही है। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं बाहर को जाऊंगा, मतलब अपने पहाड़ों को जाऊंगा, तो आज मौका मिला और मैं आ गया। तो यार पहाड़ काफ़ी सुकून भरे होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं, तो आप भी आओ और इसकी शांति को फील करो, इंजॉय करो। तो मैं सरिता ताल के या सरिया ताल के जस्ट बगल में आ चुका हूँ और पास से ये ऐसा दिखता है, अभी थोड़ा और बड़ा है। और यहाँ पर कुछ केबल दिख रही है मुझे, तो क्या पता कुछ एडवेंचर और ऐसा कुछ स्पोर्ट भी है यहाँ पर, बाकी बोटिंग और वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वो वाला पहाड़ जो वहाँ से दिख रहा था, काफ़ी सुंदर। अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। अभी मैंने ऊपर देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो कालाडूंगी है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और हल्द्वानी 39 किलोमीटर है, और कोई बाईपास है यहाँ पर से 1 किलोमीटर के बाद से। तो आगे देखते हैं, दिस इज मी। तो मैंने आपको बताया था कि बाईपास है वहाँ पर से, तो उससे 1 किलोमीटर कालाडूंगी वाली रोड में माँ मनसा देवी का मंदिर है। जब मैं फर्स्ट टाइम इस रोड से आया था तो यहाँ पर मैं तब गया था। तो मनसा देवी माँ के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब नाम ही मनसा देवी है, तो आपकी मन की जो मतलब आपकी जो विश होती है वो पूरी करती है माँ, तो सबकी विश पूरी हो, आई विश मेरी भी। तो ये मंदिर मैं अभी आपको पास से दिखाऊँगा और इसके जस्ट बैक साइड में आपको दिख रहा होगा ये है खुरपा ताल। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बस खुरपा ताल है इसका नाम पता है मुझे। ये जगह भी अच्छी है काफ़ी, आप पीछे देखो। तो
यहाँ पर मंदिर में काफ़ी सजावट हो रखी है, लाइट रात को जलाते हुए काफ़ी सुंदर लगता होगा। और ये है मंदिर फ्रंट साइड से, मंदिर बहुत बड़ा नहीं है पर मान्यता है मंदिर की, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये खुरपाताल वाला एरिया है, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, ये भी अच्छा है। यहाँ पर भी रिजॉर्ट वगैरह और होटल्स हैं, अच्छी जगह है, लोग भी काफ़ी हैं यहाँ पर, और जगह हर जगह सुंदर है, सभी जगह बहुत। अब मेरा अगला स्टॉप सीधे घर ही होगा, मैं काफ़ी लेट भी हो चुका हूँ, 2 बज गए यहाँ पर। सो अब सीधे मिलते हैं घर में, काफ़ी अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा मुझे, कुछ अच्छी अच्छी और सुंदर जगह, देन डेफिनेटली मैं रिकॉर्ड करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। मैंने आपको बताया कि अब मैं सीधे हल्द्वानी जाके स्टॉप लूँगा, पर फिर से एक और सुंदर जगह मिल गई। और ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ है, पर ये ऊँचे पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, वहाँ ऊपर से वहाँ भी लैंडस्लाइड। अच्छा वो रोड है, पता नहीं उधर क्या है, अच्छा है, पर ये ब्रिज है। और आपको मैं उधर साइड जाकर दिखाता हूँ इसके, वाह ये है ट्रू और रियल ब्यूटी। कैमरे में पता नहीं उतना अच्छा आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, बट रियल में देखने में बहुत सुंदर है। और ये और डेफिनेटली ये जो मतलब नदी है, मुझे नाम नहीं पता इसका, इसका पानी आगे गौला नदी में मिलता होगा। गौला नदी हल्द्वानी को जो पानी की मेन सप्लाई होती है वो गौला नदी से ही होती है। काफ़ी अच्छा है ये जगह भी, काफ़ी सुंदर है। और इसी ब्रिज पे मैं घूम रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सब अच्छा है, पहाड़ में हर चीज़ खूबसूरत होती है।